In this question, if sum of the two roots of this equation x cube plus ax square plus bx plus c is equal to 0 is 0, then ab equals to ab की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ से हमारे पास क्या है, लेट सपोज सम रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज अल्फा बीटा एंड गामा है हमारे पास, अल्फा बीटा एंड गामा. सो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज, इसको भी इक्वल मिलेगा सम ऑफ रूट्स इज दिस इज माइनस बाई ए, तो यहाँ से वैल्यू क्या माइनस ए आ जाएगी, माइनस ए. ओके, नाउ देन टू रूट्स आर इक्वल टू जीरो, सम ऑफ टू रूट्स आर इक्वल टू जीरो, लेट्स सपोज अल्फा और बीटा का सम क्या है, जीरो है. सम ऑफ टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा गामा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स है. इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स क्या है, गामा भी रूट्स है अल्फा बीटा भी इसका रूट्स है, तो यहाँ से गामा इसका रूट्स है, तो मीन्स गामा क्यूब इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, प्लस ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इज इक्वल जीरो. नो यहाँ से गामा की वैल्यू क्या है, माइनस ए, तो वैल्यू माइनस ए पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ए का क्यूब इज माइनस ए क्यूब प्लस ए इंटू ए स्क्वायर इज, ये हो जाएगा प्लस ए क्यूब माइनस ए बी और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. तो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, सो दिस इज इक्वल्स टू कि ए बी की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल्स टू सी, ए बी इज इक्वल्स टू सी. तो ए बी की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, इज इक्वल्स टू सी. So if sum of the two roots of this cubic polynomial is zero, then AB is equal to C. AB equal to C आ गया हमारे पास, AB की वैल्यू आ जाएगी C. So this is the answer for this question.